जी, तो आपके डांस मूव ने इंटरनेट पे तहलका मचा के रख दिया, तो कैसा लगता है रातों रात इतना कामयाब हो जाना? जी बहुत अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें मेरे प्यारे फैंस की वजह से हैं, जिन्होंने मेरे हर कंटेंट को लाइक किया, शेयर किया और फीडबैक करके बताया कि उनको वीडियोस कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। तो जैसे कि आदि आपको पता है, आपके चाहने वालों ने, आपके फैंस ने बेहद सवाल हम तक भेजे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा किया जाने वाला सवाल आपकी शादी का है। वो जानना चाहते हैं कि आप कब तक दूसरों की शादियों में जाके डांस करेंगे। ठीक है ना, मैंने आपका सवाल कर दिया, तो फिर बताइए कब कर रहे हैं आप शादी? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आ चुकी है या तलाश जारी है? देखिए, आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हैं तो मैं आपके चैनल पे एक न्यूज़ ब्रेक करना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, और मेरी होने वाली जो मिसेज हैं, अगर मैं उनको नंबर वन फ़ैन कहूँ तो इसमें कोई बात गलत नहीं है। तो मेरे लिए खास है और मैं उनके लिए खास हूँ। ओह माय गॉड। तो नाज़रीन, आपने देखा, आप सब के बहुत ही फेवरेट आदि ने अपनी शादी की खबर अनाउंस कर दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आज का जो हमारा लाइव शुरू करने जा रहा हूँ उसके अंदर हम बात करेंगे, बहुत ही दिलचस्प बातें करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास है प्यार मोहब्बत के किस्से। एक मिनट। हेलो, तुम्हारा इंटरव्यू देखा अभी, कहीं ये इशारा मेरी तरफ तो नहीं था? मुझे वजाहत करने की जरूरत तो नहीं है, और कभी ना कभी तो ये अनाउंस करना ही था, बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। दोगी साथ? तुम्हारा साथ तो मैं सारी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। नहीं नहीं नहीं, जान लेने देने की बात नहीं कर रहा मैं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अपने माँ बाबा को मना लोगी? मैं वेट नहीं कर सकता। जी जनाब, आपके लिए तो कुछ भी कर गुजरूंगी। नहीं नहीं, अच्छा जरा मैं लाइव था तो थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, तुम्हें फ्री होके, सही है? जानती हूँ आपका लाइव सेशन मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं फ्री होके तुम्हें कॉल करता हूँ, सही है? अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। I'm sorry guys, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी मेरे पास। पापा, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाती हूँ। नाउ, ये तो आदि शेख है ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? जी मामा, सवाल तो ये है कि उसको मैं मिली कैसे? आपको पता है उसके मिलियन बिलियन फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उसने सबको छोड़ के सिर्फ मुझे चुना है शादी करने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि तुम इसे जानती हो, नहीं कि तुम उससे दोस्ती है तुम्हारी हो, तुम शादी करना चाहती हो। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं शादी के लिए मान जाऊंगा? इसकी हैसियत क्या है जो हमारा दामाद बनेगा ये? पापा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और नादी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हैसियत है इसकी, करता क्या है ये? हाँ, ना इसकी कोई लाइफ है ना कोई फ्यूचर, दूसरों की शादी में सिर्फ डांस करता है ना? माँ, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अच्छा खासा कमा लेता है, लड़कियां मरती हैं उसके ऊपर। ये कोई फखर की बात नहीं है बेटा, पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, इन जैसे लड़कों पे मरती हैं जिनका सारा दिन कोई काम नहीं होता, ऊट पटांग वीडियोज बनाते हैं बस। ही इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, आप लोग नहीं जानते शायद। वो क्या करता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ट्रेंडिंग हो या ब्रांडिंग। मैं अपनी बेटी को जीते जी कुएं में नहीं धकेल सकता, सुन लिया तुमने? ठीक है, आप लोगों को जो करना है आप लोग करें,
मैं भी आदि के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, वरना अपनी जान ले लूंगी। शिजा, शिजा क्या फजूल बातें कर रही हो? शिजा, देख रहे हैं आप उसे? आप देख रहे हैं अपनी बेटी को? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि तुम अपने पेरेंट्स के आगे डटकी खड़ी हो जाओगी। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। यही बात मैंने अपने मामा बाबा को कहती, बस शादी तो करनी पड़ी उनको। चलो अब मुझे बातों में नहीं उलझाओ, मेरी मुंह दिखाई दो। ओहो, वो तो मैं भूल गया। क्या? अरे वेडिंग गिफ्ट से मुझे याद आया, मुझे तो आज लाहौर जाना था। तुम्हें पता है हमारी शादी की कितनी हाइप क्रिएट हुई है? हर ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है उसके बारे में, और मैंने 2 मिलियन फॉलोअर्स हिट किए हैं। और इसीलिए मैंने अपने इंस्टा पर ना एक कॉन्टेस्ट रखा है। तुम्हें पता है मेरे फैंस बहुत क्यूरियस है कि मैंने तुम्हें वेडिंग गिफ्ट क्या दिया। प्लीज आदि, कम से कम आज के दिन तो अपने फॉलोअर्स के बारे में बात मत करो, सिर्फ हमारे बारे में बात करो। अरे मेरी जान, पाकिस्तान में शादियां तो ट्रेंड करती हैं, और हमारी शादी टॉप 1 होगी ना। अच्छा वो मैंने ना टीम हायर की है एक फोटोशूट के लिए, तो हमें होटल जाना होगा। हम होटल में स्टे करेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ फोटोशूट करवाएंगे और हम वापस आ जाएंगे। तो जो होटल वाले, उन्होंने भी कहा था कि हम चाहते हैं आपका वेडिंग शूट हमारे होटल में हो। तुम किन झमेलों में पड़े हो? झमेला? शिजा, तुम एक बात समझ लो अब कि तुम एक बहुत बड़े सोशल मीडिया सेलिब्रिटी की बीवी हो। तुम्हारी से शादी हुई, इन सब चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। हमारी लाइफ में क्या हैपनिंग चल रही है हमें पब्लिक करनी पड़ेगी। हाँ फहद, क्या वाकई हमारी शादी ट्रेंडिंग पे है? हाँ हाँ, कितने स्पॉन्सर्स आए? अच्छा व्यूज? तो जी कैसे हैं आप लोग? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाय। लो जी गर्म गर्म चाय आ गई हमारी। क्या चाय बनाई है आपकी भाभी ने गाइस। जी हाँ, क्योंकि अपनी बात जो मनवा रही है। कैसी बात? क्या हो गया? जब से शादी की है घर में ही बिठा के रखा हुआ है। लो जी व्यूज, आप बताएं कि मैं अच्छा हस्बैंड हूं या नहीं हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर होते तो अभी तक मैं घर पर होती, हनीमून पर होती ना। इसीलिए मैंने फॉर अ चेंज हमारे लिए हनीमून का प्लान बनाया है। देखो गाइस, मेरे सबसे बड़े फॉलोअर ने तो मुझे फॉलो करना ही छोड़ दिया। अरे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स के साथ अपने हनीमून का प्लान डिस्कस कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे बंद करना इसको, बंद करो। ए, आपका भाई अभी थोड़ी देर बाद लाइव आएगा दोबारा। इंस्टाग्राम बीच में कहाँ से आ गया? मैं हमारे हनीमून की बात कर रही हूँ, तुम्हारे और मेरे। मैं जानता हूँ शिजा, हमारे ही हनीमून की बात हो रही है, और मैं तो इसलिए शॉक्ड हूं कि तुम कैसे बेखबर रह सकती हो। मेरे कॉन्टेस्ट को 1 वीक से ज्यादा हो चुका है, जिसमें मैंने अपने फॉलोअर्स से कहा है कि हमें अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन सजेस्ट करें, और जिसने हमें अच्छी डेस्टिनेशन बताई
हम उसको एक एक्सपेंसिव फोन गिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे स्पॉन्सर भी आ गए हैं। चिजा देखना तुम, हमारा हनीमून का इवेंट ना बहुत ग्रैंड होगा, बहुत ग्रैंड। इनफ आदि, तंग आ गई हूं मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम से और उनके फॉलोअर्स से। हनीमून कितना प्राइवेट मैटर होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है हस्बैंड वाइफ के लिए, उसको भी शेयर करना है तुम्हें अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के साथ। मेरी जान, इसी को तो पब्लिसिटी कहते हैं। और ये मत भूलो कि तुम भी मेरी फॉलोअर थी। एक मिनट, ये देखो, ये मेरी हर फोटो पे सबसे पहले लाइक तुम्हारा ही आता था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फॉलोअर्स में। पहले की बात और थी, अब बीवी हूं तुम्हारी मैं, इज्जत हूं। शर्म नहीं आती हमारी प्राइवेट पिक्चर सबके साथ शेयर करते हुए? शिजा, तुम एक पब्लिक फिगर की बीवी हो। अरे अब मेरी मेरी तस्वीरें वायरल नहीं होंगी, मेरी तस्वीरें पोस्ट नहीं होंगी तो किसकी होंगी? मुझे कभी नहीं समझ सकती। हाँ हेलो यार, वो कंटेंट अप्रूव करवा के उसको पोस्ट कर दो। हाँ डेस्टिनेशन टर्की है और सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। हाँ हाँ, होटल की जो वीडियो है वो भी पोस्ट होगी। हाँ ओके ओके, चल। हाँ जी, वेलकम बैक। मामा मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिजा तुम यहाँ कैसे बेटा? क्यों मामा, मैं नहीं आ सकती क्या अपने घर? मैं महीनों बाद भी आप दोनों मुझसे नाराज हैं। मैंने ये कब कहा कि तुम नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती हो बेटा। और फिर जिन माँ बाप की अकलौती बेटी हो वो अपनी बेटी से कब तक नाराज रह सकते हैं? मुझे तो लगा कि तुम टर्की जा रही हो, हनीमून का प्लान कर रही हो। तुमने तो मुझे नहीं बताया, ना अपने पापा को बताया, लेकिन मुझे पता चल गया था कि तुम और आदि टर्की जा रहे हो, है ना? टर्की? मैं और आदि, आपको किसने कहा? मुझे मॉल में अफरा मिली थी, उसी ने बताया। इनफैक्ट वो तो मुझे बता रही थी कि तुम्हारे हनीमून का बड़ा चर्चा है सोशल मीडिया पे, तुमने नहीं देखा बेटा? मामा मैं आदि को फॉलो नहीं करती सोशल मीडिया पे, तो वो मेरे पास ही है, मेरे साथ ही होते हैं। हाँ वो तो है बेटा। एक बात कहूँ, तुम आदि को समझाती क्यों नहीं हो बेटा कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को अलग रखा करे ना? वो हर चीज उठा के सोशल मीडिया पे डाल देता है, कितना अजीब सा लगता है। मामा मैं बहुत समझाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, बार बार इस टॉपिक पे बात होती है हमारी, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। ना गुस्सा आ रहा है मुझे तो इस वक्त, मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने मेरे हनीमून का एक पब्लिक इवेंट बना दिया है। अच्छा छोड़ो, खुशी हुई तुम्हें देख के। कुछ खाया है तुमने? आपने क्या बनाया है? तुम्हारी पसंद की भिंडियां बनाई है। बस फिर मैं तो वही खा के जाऊंगी। ओह माय गॉड शिजा, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मैं बाप बनने वाला हूँ। यार इसकी तो स्टोरी बनती है, और ये मैं अपने जरा व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ? आदि छोड़ दो। एक सेकंड यार, मुझे अपने व्यूअर्स को तो दिखाना था कि भाई आफ्टर ऑल वो सारे चाचू बनने वाले अपने वीडियो में लेके आओ। हाँ तो जी गाइज, आपका भाई बहुत जल्द अब्बू जी बनने वाले हैं। आज तुम्हारा बेबी शावर है, तेरे बच्चे को दुनिया देखेगी, मेरा बच्चा दुनिया में तहलका मचा देगा, और जेंडर रिवील हम लाइव करेंगे। देखना कितने एक्साइटेड होंगे मेरे फैंस। हमारे पास इतने स्पॉन्सर्स हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी। बस कर दो आदि, बस कर दो, खुदा के लिए फॉलोवर्स के पीछे भागना छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अंधे हो जाओगे फॉलोवर्स की दौड़ में।
ये भी भूल जाओगे कि अपने बच्चे का तमाशा बना रहे हो तुम सबके सामने। नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। बहुत बड़ी गलती की है अपनी मैंने जिंदगी की जो तुम जैसे इंसान का इंतखाब की है। शिजा मैंने बोला क्या है? शिजा ये देखो बेटा, ये देखो आदि ने क्या पोस्ट किया। सारे ब्लॉगर्स ही डाला ही है। With heavy heart, me and my wife mutually decided to part away. The primary concern for both of us will be remain our child who is yet to be born. I request all my fans and well-wishers to support me in this difficult time and help me to move on. Shiza, mera bachcha, Shiza kya hua? Shiza, Hatim. मेरी बेटी इज्जत में से कैसे बाहर आएगी, कैसे जी पाएगी? या अल्लाह ये क्या क्या मैं टूट गई अम्मे, मेरे अल्लाह। संभालो ना आपको बिना संभालो। हम ही लोग तो हैं हमारी बच्ची के पास, हम ही उसे दोबारा जीना सिखाएंगे। तुम बहुत बेफिक्र करो, मैं हरगिज उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। बहुत शौक था ना इस आदि शेख को अपनी हर चीज सोशल मीडिया पे डालने का। देखना मैं ये खबर भी उसको सोशल मीडिया के जरिए दूं। मैं आपके साथ हूं। आज इस दौर में कि जब सोशल मीडिया प्रमोशन हर रिश्ते हर नाते से बढ़कर हो गई, मेरी बेटी ने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की। आपका हर दिल अजीज आदि शेख मेरी बेटी का शौहर था, जिसने कभी मेरी बेटी के जज्बात, एहसासात, पसंद नापसंद किसी चीज की परवाह नहीं की। उसे परवाह थी तो बस अपनी, अपनी शोहरत की, अपने फॉलोअर्स की। लेकिन आज उसकी इसी शोहरत ने उसकी अपनी औलाद को, मेरी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार आदि शेख है। आपके दिल अजीज आदि ने मेरी बेटी को उस वक्त छोड़ दिया जब वो प्रेग्नेंट थी। उसने तो मेरी बेटी की इज्जत का जरा भी लिहाज नहीं किया। उसने इस खबर को भी सोशल मीडिया पे डाल दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी नडाल हो गई और उसकी हालत। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब बगैर तस्दीक के लोगों को फॉलो करना छोड़ दे। क्या फायदा ऐसी शोहरत का जो अपनों का दिल दुखा के मिले, अपने प्यारों का दिल दुखा के सोशल मीडिया का राजा बनने का क्या फायदा? ये कहाँ की अकल बनती है? मैं नहीं छोड़ूंगी, अल्लाह तुझसे पूछेगा तुझे। अपने बच्चे की जान ले ली।
मेरी बीवी छोड़ के चली गई मुझे। मेरा बच्चा खो दी। मैं सारा ट्रेंड कर रहा हूं इधर। आदि शेख अपना बच्चा मार के भी तू ट्रेंडिंग पे है यार। तू हेट है हमें, तू हेट है, तुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। ये देख देख। Ha 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 ha!